नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीकानेर से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर हैं, बच्छासर गांव। इस गांव में एक ऐसा भव्य मंदिर तैयार हो रहा है जहां उसके ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, वो करीब 26 फुट का है। आप हमारे पीछे देख सकेंगे जो शिवलिंग बना हुआ है, और ये मंदिर महादेव जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर तैयार हो रहा है। इस पुजारी का दावा है कि बीकानेर में ऐसा एक भी मंदिर नहीं है, और ये एकमात्र मंदिर है बीकानेर से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर बच्छासर गांव में। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं योगी प्रेमनाथ जी, उनसे बातचीत करेंगे। योगी जी, ये मंदिर कितने साल पुराना है? भाई, ये मंदिर की नींव लगाए 5 साल हो गए, और अब जब से ये काम चल रहा है, कभी काम बंद हो जाए, कभी अभी चालू कर देते हैं। ये अनुमान कितने टाइम में बन के तैयार हो सकता है? ये अब 2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा। 2 साल में कम्प्लीट। और इस मंदिर की खासियत क्या है सर? सर, खासियत ये है कि यहाँ कंठ बालाजी के मंदिर के कंठ बालाजी बंदर है, ये बंदर की समाधि है। अच्छा, बंदर की समाधि है वो। अच्छा, बंदर की समाधि है, बंदर ये सारे सब प्रसिद्ध दे रहा है अपने आप। अच्छा। लोगों के मनोकामना बंदर ही पूरी करता है, उसकी समाधि है। ये मंदिर किसके सहयोग से तैयार हो रहा है? ये सिर्फ भगत लोगों से ही हो रहा है, मतलब जन सहयोग से। जन सहयोग से बन रहा है। और ये कितना बड़ा शिवलिंग है? ये 26 फुट का शिवलिंग है। अच्छा, और इसकी छत आप बता रहे थे, ये डाट की ईंट है, डाट की ईंट है। हरियाणा मिस्त्री आए थे पानीपत के, उन्होंने बनाई। अच्छा अच्छा, मतलब इसकी एक बड़ी खासियत है कि ये जो मंदिर की जो छत है ना, वो ईंटों से बनी हुई है। इस मंदिर की खासियत है कि यह मंदिर एक बंदर थे उसकी उसकी समाधि के ऊपर बनाया गया है, और ये वो समाधि है जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे। इस बंदर की यहाँ समाधि है, और उसके ऊपर ही ये मंदिर मंदिर बनाया गया है। महाराज, आप बताए कि ये कितने साल पुराना था, क्या था उसमें? ये 12 साल हो गए समाधि लगाई गए। अच्छा, 12 साल हो गए। हाँ, पहले चौकी थी 5x5 की, उसके ऊपर समाधि लगाई थी। अच्छा, उसको छोटी छोटी भी थी, तो उसको बना के उसको ऊपर ले गया है। अच्छा, 12 साल हो गए।